बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ईयू असाइलम पैक्ट जो है वो आने करीब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त हो चुका हो, क्योंकि जून के आखिर तक कहा जा रहा है कि पुर्तगाल की जो प्रेजिडेंटशिप है यूरोपीय यूनियन की, वो ख़त्म होने से पहले पहले इस पैक्ट को लॉन्च कर दिया जाएगा। अब अगर ये लॉन्च हो जाता है तो असाइलम सीकर्स की तरफ से ये क्वेश्चनिंग आती है कि हमें किस मुल्क में जो है वो जाके असाइलम अप्लाई करना चाहिए, अगर हम नए सिरे से करना चाहें या पहली दफ़ा करना चाहें, जहाँ पे नेशनलिटी हमें जल्दी मिल जाए। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं बात करूँगा उन ममालक की या उस मुल्क की जहाँ पर आप असाइलम अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत जल्दी राइट मिलते हैं नेशनलिटी अप्लाई करने के। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि सबसे जो जल्दी आपको असाइलम देते हैं जो कंट्रीज़, उनमें वो ममालक हैं जो इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ये तीनों ममालक ऐसे हैं जो आपको असाइलम में इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं करते, लेकिन इन ममालक में 5 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी एज असाइलम सीकर। अगर आपकी अप्रूव हो चुकी हो जो है असाइलम आपका, तो आप 5 साल के बाद जो है वो ले सकते हैं। अगर आप किसी और मुल्क में जाते हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस, ये थोड़ी सी टफ है असाइलम देने में, लेकिन वहाँ पे भी आपको 5-5 साल बाद आपको राइट मिल जाता है अप्लाई करने का। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि इन कंट्री में जो मैंने पहले बताई हैं, ख़ासतौर पर बात करूँगा स्पेन और इटली की, अगर आप नॉर्मली वहाँ पे जाते हैं तो आपको 10 साल लगते हैं, आपको 10 साल बाद राइट मिलता है नेशनलिटी अप्लाई करने का। असाइलम सीकर्स के लिए आधा टाइम है। अभी मैं जल्दी जल्दी आपको एक ऐसा मुल्क बताऊंगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 साल बाद आप जो है वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी तकरीबन तमाम यूरोपीय यूनियन में 5 साल का कम अज़ कम टाइम पीरियड है रहना, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। वो है मुल्क आयरलैंड। आयरलैंड जो है वो नॉर्मल लोगों को 5 साल बाद अप्लाई करने की इजाज़त देता है नेशनलिटी, लेकिन असाइलम सीकर्स को 3 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी कि आप आयरलैंड की नेशनलिटी लेना चाहते हैं एज असाइलम सीकर, तो आपको इजाज़त मिल जाती है। जब आपका केस अप्रूव हो जाता है उसके एग्जैक्ट 3 साल बाद, आप जब लीगल रहते हुए वहाँ पे एज असाइलम सीकर 3 साल मुकम्मल हो जाते हैं, तो आपको राइट दिया जाता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं और आप नेशनलिटी दे सकते हैं आयरलैंड की। तो ये मुल्क ऐसा है जो सबसे थोड़ी मुद्दत में असाइलम सीकर को इजाज़त देता है असाइलम के साथ साथ नेशनलिटी अप्लाई करने की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।